हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट 15 जो आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये लिंक आपको फॉलो कर लेने हैं, ये फेसबुक का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो पीडीएफ का जो लिंक है डॉक्टर विपन गोयल आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम के ऊपर, आपको वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। और सेकेंड, जो अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप मुझे मेरी जीमेल आईडी के ऊपर अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद द टॉपिक एंड आज है हमारा ट्रिक ऑफ द डे। तो ट्रिक ऑफ द डे में आपको मैं याद करवाऊंगा आज विटामिन्स। सो विटामिन होते हैं हमारे, तो विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके फैट सॉल्युबल, एक होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ये सबको पता है। देखिए वाटर सॉल्युबल मैंने आपको क्लासेस में बहुत बार करवाया है, WBC याद कर लीजिए। WBC मतलब वाटर का सॉल्युबल कौन सा है, B and C, तो ये क्या हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल। फैट के आप याद कर लीजिए, कीड़ा वर्ड याद कर लीजिए, KEDA कीड़ा वर्ड, ठीक है। तो विटामिन KEDA तो वो क्या हो जाएंगे आपके फैट सॉल्युबल हो जाएंगे। सो दिस इज द ट्रिक ऑफ द डे। सो आज के लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्केड्यूल्ड बैंक जो होते हैं वो कौन से बैंक होते हैं। स्केड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो आरबी के सेकंड स्केड्यूल में दिए जाते हैं, और इनकी एक तो ये कैटेगरी आती है, एक आपका जो आपका मेन पॉइंट यहाँ पे ये भी होता है कि इसकी जो पेड अप कैपिटल होती है ना, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि मिनिमम मार्केट में शेयर कितने होने चाहिए, 5 लाख रुपये के मिनिमम शेयर होने चाहिए, तब उस बैंक को स्केड्यूल्ड बैंक कहा जाता है और दूसरे स्केड्यूल ऑफ आरबी के अंदर आता होना चाहिए, प्लस आरबी की सारी बातें मानता भी होना चाहिए। तो ये है आपका स्केड्यूल बैंक। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल जो होती है, ब्लैक सॉइल को हम और क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, ये हम इनको कहते हैं रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। वॉल्केनिक ओरिजन देखने को मिलती है, और इसके जैसे ही ये वाटर रिटेंशन कर लेते हैं ना, तो बाद में बीच में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, और इसके अंदर जो होता है लाइम ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रेगुर सॉइल जो है डेफिशिएंट किस चीज़ में होती हैं, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस के अंदर जो है ये डेफिशिएंट होती है, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस के अंदर। और सबसे ज्यादा जो फर्टाइल सॉइल होती है वो कौन सी होती है आपकी, एलुवियल, जो मैक्सिमम रीजन में मिलती है, खास करके आपके जितने भी फुट हिल्स ऑफ हिमालय हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे नॉर्थ के अंदर, तो वहां पे सबसे ज्यादा सॉइल को जो मिलती है वो एलुवियल सॉइल मिलती है। बांगर सॉइल जो होती है इसको हम कहते हैं ओल्डर एलुवियम कहा जाता है, और खादर को क्या कहा जाता है, न्यू एलुवियम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा रेगुर सॉइल है। नेक्स्ट है इनमें से पाणिनी द्वारा जो बुक है वो रिटर्न कौन सी करी गई है। पाणिनी जो हैं बहुत बड़े ग्रामेरियन रहे हैं, संस्कृत ग्रामेरियन रहे हैं, तो इनकी जो बुक थी वो थी हमारी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पहली संस्कृत ग्रामर थी, संस्कृत ग्रामर थी, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात, इनके अष्टाध्याय के ऊपर एक महाभाष्य लिखी गई थी, महाभाष्य इसके ऊपर कमेंट्री थी, किसके ऊपर, अष्टाध्याय के ऊपर, एंड ये किसने लिखी थी, पतंजलि ने लिखी थी, पतंजलि ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बाकी यहाँ पे जो मिताश्र लिखा गया है, इन्होंने बताया था इनहेरिटेंस बाय बर्थ, जाने की इनहेरिटेंस बाय बर्थ मतलब जो चीज़ें हैं वो पेरेंट्स टू पेरेंट ट्रांसफर होती जाएंगी, और ये लिखी थी विजनेश्वरा ने, विजनेश्वरा, ठीक है, विजनेश्वरा ने। और नेक्स्ट है माध्यमिक कारिका, तो ये लिखी थी नागार्जुना ने, नागार्जुना, ठीक है। और ये जो है आपके महायान बुद्धिज्म सेक्ट के साथ बिलोंग करता है, महायान बुद्धिज्म, तो ऑप्शन क्या बनेगा जी हमारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से एयर प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा है। सारे ही आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एनीमोमीटर है ये हवा की स्पीड को मापता है, विंड स्पीड को मापता है, बैरोमीटर जो है प्रेशर को मापता है एयर के, तो आंसर इज बी ऑप्शन। हाइग्रोमीटर जो होता है ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को मापता है, और थर्मोमीटर जो होता है आपका टेम्परेचर को मापता है। और आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो बीच में लिक्विड होता है वो मरकरी होता है, Hg, और अगर हम कहें कि फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी का -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर इससे नीचे टेम्परेचर मापना हो तो हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, तो एल्कोहल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से वाइट प्लेग जो है वो किस डिजीज़ को कहते हैं, वो कहते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को कहा जाता है। टीबी के लिए एक वैक्सीन है BCG, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, जिसको कालमेट और ग्यूरिन ने डिस्कवर किया था। और यहाँ पे जो प्लेग है, प्लेग किसके कारण होती है, यर्सीनिया पेस्टिस के कारण, और ये फैलती किससे है, रोडेंट्स,
चूहों से, और मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से, और सबसे ज़्यादा आरबीसी और लीवर को इफेक्ट करता है। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है, और फैलता किससे होता है जी, ये साल्मोनेला, द बैक्टीरियल नेम इज़ द साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गिल्ट एज सिक्योरिटी जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई को देती है, और प्लस वो मार्केट से पैसा उठाते हैं, द सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो आंसर क्या बनेगा जी, आपका सिक्स का बी ऑप्शन, और इसको जो है जी सेक्स के नाम से भी जाना जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। बॉक्साइट जो है वो रॉ मटेरियल है, किस इंडस्ट्री का जो है रॉ मटेरियल है, वो है जी एल्युमिनियम का, एल। एल्युमिनियम जो है अर्थ के अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल है, धातु है, और प्लस एल्युमिनियम की जो और है वो कौन सी है, क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट है, केओलनाइट है, ये सारी जो ओर्स हैं वो किसकी हैं, एल्युमिनियम की हैं। आयरन की तो बहुत सारी आपको पता है, हेमेटाइट है, साइट्राइट है, लेमनाइट है, मैग्नेटाइट है, और जो है इसके अंदर और भी आती है आपकी आयरन पायराइट है। आयरन पायराइट जो होता है FeS2 कहते हैं, जिसको आप फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। गोल्ड के लिए अगर हम याद करें तो मैं एक ही याद करवाना चाहूँगा आपको, कैलावेराइट, कैलावेराइट आप याद कर लीजिए। स्टील की कॉम्पोजिशन पूछी जा सकती है स्टेनलेस स्टील की, आयरन होता है, निकल होता है उसके अंदर, और क्रोमियम होता है, और प्लस कार्बन होता है, 75, 15, 10 और 0.05%। तो ये आपको कॉम्पोजिशन याद रखनी है। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द स्टार्स डस्ट एंड गैसेस जो आपके ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण कंबाइन होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है गैलेक्सी। और हमारी कितनी गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन का मतलब 10^11 गैलेक्सीज हैं, और इतने ही आगे स्टार हैं, तो इसका मतलब टोटल स्टार कितने बन जाते हैं, 10^22 स्टार बन जाते हैं, और गैलेक्सी हमारी 100 बिलियन यानी कि 10^11 आपकी जो गैलेक्सी बन जाती है। और हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, हम रहते हैं मिल्की वे में, मिल्की वे जिसे आप आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है। नेक्स्ट है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करी जाती है वो इनमें से किसके द्वारा जनरेट करी जाती है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर जनरेट करी जाती है, वो जनरेट करते हैं हम कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से सबसे ज़्यादा जो है ये तैयार करी जाती है। आयरन के ऊपर जब रस्ट लगता है तो उसके वेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, आयरन के ऊपर जंग लगना मतलब क्या है, जंग लगने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ऑक्सीजन और पानी, ये अगर आपके पास है तो वह रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगी। जब भी जंग लगती है तो वेट आयरन का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन द अर्थ इन विच कंट्री, किस कंट्री के अंदर ड्राइएस्ट लोकेशन है, वो है चिले के अंदर। तो यहाँ पर एक डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, ये जो आपका एटाकामा डेजर्ट है ये क्या है, सबसे जो है सूखा आपका लोकेशन है। ये फटाफट आपको आंसर लगाने हैं, आप बताएंगे इसके बारे में। पिलर एट सारनाथ इज डेडिकेटेड टू, तो यहाँ पे क्या था, बुधा ने, बुद्ध भगवान ने पहला सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन यानी कि उपदेश दिया था, ठीक है, और इसको लाइन कैपिटल ऑफ अशोका भी कहा जाता है। और प्लस यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि जो हमारा स्टेट एम्बलम है, स्टेट एम्बलम भी हमारा सारनाथ का पिलर है, और इसके आसपास कौन से जानवर दिखते हैं, बुल दिखता है, हॉर्स दिखता है, एलिफेंट दिखता है और लायन दिखता है, ठीक है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लाइन, और एक पौधा दिखता है लोटस का जो है फूल दिखता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलने के विरुद्ध कानून क्या है, 52nd Amendment Act 1985 में पास हुआ था, 10वीं अनुसूची है, 10th स्केड्यूल के अंदर बात करते हैं, और प्लस आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट के जो इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी 92nd Amendment Act, देखिए 52nd Amendment के अकॉर्डिंग पास हुआ था, और उसके बाद जो है 92nd Amendment Act 2003 पास हुआ था, इसके अंदर बोला गया था कि अगर 2/3 सदस्य किसी भी पार्टी के चेंज होकर किसी और में जाते हैं तो वो डिफेक्शन नहीं है, वो दल बदलना नहीं कहलाता। तो ये है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम और क्या कहते हैं, हम इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग जिसे आप कहते हैं, कॉपर प्लस टिन से जो है बनता है, टिन मतलब SN, ठीक है, और इसको हम और क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, प्राक ऐतिहासिक यानी कि जिसकी हिस्ट्री लिखी नहीं गई, क्योंकि हम पिक्चर वगैरह से ही इसको ढूंढते हैं। और किस तरह की अर्बनाइजेशन जो है ये सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, अगर उन्होंने पूछा IVC के टाइम पे कितनी कौन सी सिविलाइजेशन और हुई हुई है, तो चाइना की सिविलाइजेशन उसके टाइम हुई थी, इजिप्ट की उस टाइम पे हुई थी, और मेसोपोटामिया की उस टाइम पे हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है संगाई फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, और नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से किस पहले इंडियन म्यूजिशियन के नाम पे माइनर प्लैनेट का नाम रखा गया है, वो है पंडित जसराज, याद रखिए पंडित जसराज। किस यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है फिट इंडिया प्लोग रन का जो प्रोग्राम सेटअप किया गया है वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा स्टार्ट किया गया है। मोहम्मद हसनैन जो हैं यंगेस्ट एवर क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने T20 में हैट्रिक ली है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। 2019 का वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसफी जो है वो किस शहर में देखने को मिला है हमें, पुणे के अंदर। कौन सी महिला को, पहली महिला जो है जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए हैं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कौन है, मिथाली राज। कौन से ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने IIT दिल्ली के साथ जो है एक पैक्ट साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो रिसर्च एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ वो काम करेगी, वो है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कौन से इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ने जो एथलीट मेंबर बना है टीम वीजा का फॉर द ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020, तो वो कौन बने हैं, यहाँ पे वो बनी है जी पीवी सिंधु। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिंधु लिखा हुआ है लेकिन उनका नाम क्या है, पीवी सिंधु है, तो डी ऑप्शन, बहुत जो है खतरनाक प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है चैंपियंस कैंपेन टू फाइट अगेंस्ट विच डिजीज, तो उन्होंने किया है डेंगू के अगेंस्ट, तो डेंगू जो होता है वो एडीज एजिप्टी के कारण फैलता है, और ये वायरस जो, ये तो मच्छर है, ये मॉस्किटो है, ठीक है, लेकिन है क्या ये डेंगू, किसके फैलता है, वायरस के कारण फैलता है, और प्लस आपको पता होना चाहिए कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका दो काम होते हैं, एक तो जो है आपका जो प्लेटलेट्स दो जगह कम हो जाते हैं, एक तो ब्लड क्लॉट करता है आपका फंक्शन होता है, और आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना प्लेटलेट्स का काम होता है, तो टेम्परेचर घटना बटना मतलब जो है वो डेंगू के साथ चीज़ें एसोसिएट करती हैं, तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। कौन से पर्सन द्वारा बुक लिखी गई है फ्रॉम लीचिस टू द स्लग ग्लू 25 एक्सप्लोजिव आइडियाज डैट मेड एंड आर मेकिंग मॉडर्न मेडिसिन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, रूपा राय द्वारा लिखी गई है। कौन से जो पर्सन को, जो मोती बाग के डायरेक्टर हैं, इंडियन डॉक्यूमेंट्री है मोती बाग जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं, तो उसके डायरेक्टर का नाम पूछा गया है, निर्मल चंद्र जो है इनका जो है डायरेक्टर का नेम है, और प्लस जो है गली बॉय भी आपकी पता होना चाहिए, गली बॉय भी जो है नॉमिनेट हुई है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमैट, इनमें से पहली मिलिट्री डिप्लोमैट कौन है, वो है अंजलि सिंह। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुरु नानक देव जी की राइटिंग वर्ल्ड लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश कर रही है, वो है यूनेस्को। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, पेरिस, क्लियर, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देते हैं। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है वो किसके साथ एसोसिएट करती है, ये एसोसिएट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आज आपके पास कुछ भी चीज़ है, आपके पास हवा पानी लाइट कुछ भी आ रही है, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ करें ताकि जो है फ्यूचर जनरेशन में वो सारी चीज़ें बच्चे लोग आगे यूज़ कर सकें, तो ये कमीशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आता है। तो नेक्स्ट है एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज़ रिलेटेड टू, ये किसके साथ एसोसिएट करता है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात कहते हैं, और इसको आप रियो समिट भी कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो समिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1992 के अंदर, ठीक है। सो ये था आज के लेक्चर में, अगर आपको कोई भी डाउट हो और आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये है मेरी gmail ID का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डॉक्टर विपन गोयल आप सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम का ग्रुप है, यहां पे मेरी PDF सारी यहां पे शेयर होती हैं, और आपको ये क्लासेस आई थिंक अच्छी ज्यादा लग रही होंगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है आपको फुल स्क्रीन दिख जाता है, मेरी एक्सप्लेनेशन तो वैसे ही आपको पता लग रही है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।